तो देखिए आज हमारे पास एक उषा कंपनी का मोटर आया है सेलुजेट रिपेयरिंग होने के लिए। तो आज हम उसका कॉइल लगा के आपको दिखाएंगे। और ये मोटर आप देख सकते हो 1 HP का मोटर है और ये मोटर का RPM होगा 2850। उसमें कैपेसिटर लगेगा 22F का। तो आज हम ये मोटर के बारे में डिटेल्स में बताएंगे, स्टेप स्टेप आपको दिखाएंगे, रनिंग में कितना mm का कॉइल लगाना है, स्टार्टिंग में कितना mm का कॉइल लगाना है, A to Z आपको दिखाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक जरूर देखिए। और एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने कॉइल को पूरा कटिंग कर लिया और मोटर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से सफाई कर लिया। और अभी हमको सबसे मेन काम करना होता है, जब भी हम मोटर में कॉइल लगाते हैं तो हमको ध्यान रखना है कोई भी मोटर हो उसमें ओरिजिनल डाटा का यूज होना चाहिए। चाहे हम कितना भी बढ़िया तरीके से कॉइल लगाएंगे लेकिन अगर डाटा उसमें ओरिजिनल नहीं लगेगा तो मोटर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर आप मोटर बनाते हो, मोटर में ओरिजिनल डाटा का यूज करते हो तो कंपनियां देता है 2 साल का वारंटी या फिर गारंटी, तो आप उसको 4 साल का वारंटी गारंटी दे सकते हो। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको सही डाटा का यूज करना है, सही डाटा पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसे एक टेप लेना है, उसकी जगह में आप स्केल का यूज कर सकते हो लेकिन उसमें mm का निशाना होना चाहिए। तो अभी हम ये मोटर का ओरिजिनल डाटा पता करेंगे, उसमें कितना mm का कॉइल लगाना है रनिंग में और स्टार्टिंग में कितना mm का कॉइल लगाना है। तो इधर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए ये मोटर में रनिंग में 4 कॉइल लगा हुआ है और स्टार्टिंग में 2 कॉइल लगा हुआ है, यानी कि 4-2 का सेट बना हुआ है। तो अभी हम उसका डाटा पता करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 76 mm। और अभी हम उसका गुलाई में देखते हैं, अंदर की साइज को हमको माप लेना है। तो देखिए उसका अंदर का साइज है 54 mm। पहले आपको ऐसे 4 पेपर लेना है और ये 4 पेपर लगा के मोटर का रनिंग कॉइल का साइज आपको माप लेना है। तो कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए पहले कोई भी एक स्लॉट में 1 पेपर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अभी हमको और 1 पेपर लेना है और 1 से 6 में लगाना है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए मैंने 1 से 6 में 1 पेपर लगा दिया। और अभी हमको लेना है और 1 पेपर, और ये पेपर को हमको लगाना है पहले का जो पेपर लगाया इधर में, हमको 2 स्लॉट छोड़ देना है और 3 नंबर स्लॉट में लगा देना है। तो अभी हम ये पेपर को भी लगा देते हैं। और अभी हमको और 1 पेपर लेना है और ये पेपर को लगाना है, इधर से हमको गिनती करना है, 1 से 12 में लगाना है। तो अभी हम ये रनिंग कॉइल का साइज लेते हैं। तो देखिए मैंने 1 से 6 में 1 कॉइल लगाया और 1 से 12 में 1 कॉइल लगाया। तो आपको ऐसे लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, नहीं तो बाद में स्टार्टिंग कॉइल लगाने में दिक्कत आ सकता है। तो अभी हम उसी के हिसाब से उसका रनिंग कॉइल बनाएंगे और उससे पहले हम उसको पेपरिंग कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने उसको पूरा प्रिपेयरिंग कर लिया और अभी हम उसका ओरिजिनल डाटा आपको बताएंगे। तो आपको लेना है 21 mm का कॉइल। तो देखिए मैंने 21 mm का कॉइल ले लिया और ये कॉइल से रनिंग कॉइल का आपको 2 सेट बनाना है, एक एक सेट में 4 कॉइल लगाना है और एक एक कॉइल में 44 टर्न्स करके लगाना है। ऐसे आपको 1 से 6 में 1 पीस बनाना है, 1 से 8 में दूसरा पीस बनाना है, 1 से 10 में तीसरा पीस बनाना है, 1 से 12 में चौथा पीस बनाना है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं उसका स्टार्टिंग कॉइल कितना mm का कॉइल से लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 25 mm का कॉइल ले लिया। तो आपको भी ऐसे 25 mm का कॉइल लेना है। तो 25 mm कॉइल से स्टार्टिंग कॉइल का 2 सेट बनाना है और एक एक स्लॉट में टांस रखना है आपको 90 टांस करके, यानी कि 90 टांस करके आपको रखना है और 2 सेट बनाना है आपको 2 कॉइल का। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी आप मोटर में नया कॉइल लगाते हो तो उस टाइम में आपको एक सेंसर लगा लेना है। तो देखिए पहले का सेंसर जल चुका है, तो हमको ये सेंसर को चेंज कर लेना है और उसकी जगह में एक नया सेंसर लगा लेना है। तब क्या होगा, मोटर का लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगा और काफ़ी दिन तक चलेगा। और यह सेंसर लगाने के टाइम में बहुत दिक्कत आता है, सेंसर को अगर हम ऐसे ही लगा देंगे तब क्या होगा, जब हम मोटर फिटिंग करेंगे तो मोटर उल्टा घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह सेंसर कैसे लगाना है स्क्रीन में एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर इस वीडियो में।